हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ टॉप 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और उसके पास में जो बेल आइकन है उसको दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। द इंडियन रोड कांग्रेस IRC वॉज फॉर्मड इन, तो देखिए ऑप्शंस क्या क्या है, 1927, 1930, 1934 या फिर 1960। देखिए दोस्तों, IRC की तरह और भी बहुत सारे कमिटीज, फंड और एक्ट्स है जो आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसे साल बहुत सारे बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो IRC का कौन सा हो जाएगा, IRC का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1934। IRC जो है इंडियन रोड कांग्रेस, तो ये 1934 में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 के और बढ़ते हैं। फॉर WBM रोड्स इन लोकेलिटीज ऑफ एवरी रेनफॉल द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ कैम्बर। देखिए दोस्तों, एक चार्ट दिया गया है IRC की तरफ से, जिसमें आपका दो डिविजन्स है, एक हैवी रेनफॉल का और एक लाइट रेनफॉल का, जिस पे टाइप ऑफ रोड सरफेस पे डिपेंड करता है। तो सीमेंट कंक्रीट पेमेंट होगा तो 1:50 से 1:60 तक होगा, थिन बिटुमिनस सरफेस होगा तो 1:40 से 1:50 तक होगा, WBM होगा तो 1:33 टू 1:40, और अर्दन रोड होगा तो 1:25 से 1:33। तो ये चार्ट आपको याद रखना है। और यहाँ पे बोला गया है कि WBM रोड्स और लोकेलिटी कैसा है, हैवी रेनफॉल वाला लोकेलिटी है तो 1:33 टू 1:40। देखिए दोस्तों, इसमें सबसे नियर बाई जो आंसर है वो है ऑप्शन बी की, 1:36। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 के और बढ़ते हैं। द टेरेन में बी क्लासिफाइड एज रोलिंग टेरेन इफ क्रॉस स्लोप इज। देखिए दोस्तों, टेरेन को चार कैटेगरी में क्लासिफाई किया जा सकता है, जो कि है प्लेन, रोलिंग, स्टीप और माउंटेनियर। प्लेन टेरेन होता है वो लेस देन 10% से कम होता है, और 10 से 25% हो जाएगा तो हो जाएगा रोलिंग टेरेन। और जो स्टीप टेरेन होगा वो 25 से 60% तक का होगा, और जो माउंटेनियस टेरेन होगा वो 60% से ग्रेटर होगा। तो इस यहाँ पे रोलिंग टेरेन पूछा गया है, तो आपको क्रॉस स्लोप बोलना पड़ेगा कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, 10 to 25%। क्वेश्चन नंबर 4 के और बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ रोलिंग ग्रेडियंट इन प्लेन्स एज पर IRC। देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी एक चार्ट दिया गया है कि रोलिंग प्लेन और रोलिंग टेरेन, माउंटेनियस टेरेन, स्टीप टेरेन, ये सारे चीज़ों का रूलिंग ग्रेडियंट, लिमिटिंग ग्रेडियंट, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट, सारे चीज़ दिया गया है IRC की तरफ से। तो यहाँ पे पूछा गया कि रूलिंग ग्रेडियंट इन प्लेन एज पर IRC, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1:30 या फिर 3.3%। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 के और बढ़ते हैं। द रीजिंग ऑफ आउटर एज ऑफ पेमेंट विथ रेस्पेक्ट टू इनर एज इज कॉल्ड। देखिए दोस्तों, सुपर एलिवेशन जो है, जो कि दिया जाता है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको काउंटरैक्ट करने के लिए, वो सुपर एलिवेशन कहा जाता है। तो इसकी वजह से जो आउटर एज पेमेंट का होता है उसको रेज किया जाता है इनर एज के रेस्पेक्ट में, तो उसको सुपर एलिवेशन कहा जाता है, उसको कांट भी कहा जाता है या फिर बैंकिंग भी बोल सकते हैं आप। तो करेक्ट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 6 के और बढ़ते हैं। एनोस्कोप इज यूज टू फाउंड। देखिए दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, एवरेज स्पीड, स्पॉट स्पीड, स्पेस मैन स्पीड या फिर टाइम मैन स्पीड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पॉट स्पीड। क्वेश्चन नंबर 7 के और बढ़ते हैं। द मैक्सिमम विड्थ ऑफ ए व्हीकल एज रिकमेंडेड बाई IRC इज। देखिए दोस्तों, IRC ने व्हीकल विड्थ को रिकमेंड किया है, तो मैक्सिमम विड्थ ऑफ व्हीकल जो होगा वो हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 2.44 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8 के और बढ़ते हैं। द शेप ऑफ ए ट्रांजिशन कर्व एज पर IRC रिकमेंडेशन, ट्रांजिशन कर्व का शेप कौन सा हो जाएगा, सर्कुलर होगा, पैराबोलिक होगा, स्पायरल होगा या फिर लेमिनेस्केट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पायरल। क्वेश्चन नंबर 9 के और बढ़ते हैं। डायग्राम विच शोज द अप्रॉक्सिमेट पाथ ऑफ व्हीकल्स एंड पेडेस्ट्रियंस इन्वॉल्व्ड इन एक्सीडेंट्स इज नोन एज। देखिए दोस्तों, ऐसे दो डायग्राम होता है जो कि ट्रैफिक स्टडी में आपको अपने पढ़ाई होगा, वो होता है एक कंडीशन डायग्राम, एक कॉलिशन डायग्राम। तो जो डायग्राम है जो कि अप्रॉक्सिमेट पाथ ऑफ व्हीकल्स एंड पेडेस्ट्रियंस इन्वॉल्व्ड इन एक्सीडेंट्स है, तो उसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉलिशन डायग्राम। और जो कंडीशन दिखाता है वो एक्सीडेंट का जो कंडीशन है, वो जो कंडीशन दिखाता है वो हो जाएगा आपका कंडीशन डायग्राम। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉलिशन डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 10 के और बढ़ते हैं। फॉर हाईवे ज्योमेट्रिक डिजाइन पर्पस द स्पीड यूज्ड इज, इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 98% स्पीड जो है वो ज्योमेट्रिक डिजाइन के पर्पस में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। डिजायर लाइंस आर प्लॉटेड इन। देखिए दोस्तों, डिजायर लाइंस इनमें से कौन से चीज़ के लिए किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी, स्पीड स्टडी, एक्सीडेंट स्टडी या फिर ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। डेड स्लो इज अ, तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेड स्लो जो है ये कौन सा है, रेगुलेटरी है, वार्निंग है, इन्फॉर्मेटरी है या फिर कोई इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेगुलेटरी साइन, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 के और बढ़ते हैं। द मोस्ट एफिशिएंट ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम इज। देखिए दोस्तों, सिस्टम तो बहुत सारे हैं ट्रैफिक का, लेकिन इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है, तो इस
ये आपको पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्लेक्सिबल प्रोग्रेसिव सिस्टम। तो फ्लेक्सिबल प्रोग्रेसिव सिस्टम जो है सबसे एडवांस्ड है और ये सबसे एफिशिएंट भी है। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स कैन बी पार्क्ड विद, तो सबसे ज़्यादा व्हीकल्स कौन सा एंगल पार्किंग में किया जा सकता है? तो इसका ये आप तो बुक पे बहुत सारे बार पढ़े होगा और ये बहुत सारे एग्जाम्स में आया भी है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री एंगल पार्किंग। अगर आप 90 डिग्री में एंगल में पार्क करेंगे अपने व्हीकल्स को तो उनमें सबसे कम जगह लगेगा। इसका मतलब है मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स को आप पार्क कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 के और बढ़ते हैं। CBR टेस्ट, CBR तो आपको पता ही है, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो। तो इन CBR टेस्ट द वैल्यू ऑफ CBR इज कैलकुलेटेड एट, तो ये एक पेनिट्रेशन टेस्ट है। तो इनमें कौन सा पेनिट्रेशन को लिया जाता है CBR टेस्ट में? देखिए दोस्तों, इनमें चार ऑप्शंस दिया गया है, 2.5, 5, 7.5 या फिर दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ 2.5 mm एंड 5 mm पेनिट्रेशन। इसको रिलेट करके और एक क्वेश्चन भी आता है कि अगर 2.5 mm पेनिट्रेशन में पेनिट्रेशन से 5 mm पेनिट्रेशन का वैल्यू ज़्यादा आएगा तो उनमें से कौन सा लेना है, ये भी क्वेश्चन आप देख लेना क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बार एग्जाम्स में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 के और बढ़ते हैं। द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ टार फॉर ग्राउटिंग पर्पस, तो ग्राउटिंग करने के लिए कौन सा वैल्यू, कौन सा टार हम यूज़ करेंगे? देखिए दोस्तों, RT 1, 2, 3, 4, 5, ये चारों का यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना, बाकी सब चार जो है उसका यूज़ देख लेना। तो इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, RT 5। तो RT 5 जो है ये ग्राउटिंग की काम में लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 के और बढ़ते हैं। बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ पेमेंट इज नोन एज, देखिए दोस्तों हमको पता ही है कि ये जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है इसमें दोनों टाइप की पेमेंट होता है, फ्लेक्सिबल और रिजिड। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट जो भी होता है उसमें चार लेयर्स होता है, सबग्रेड, सब बेस, बेस और वेयरिंग कोर्स। वेयरिंग कोर्स जो है सबसे ऊपर वाला कोर्स है जिसको सरफेस कोर्स भी कहा जाता है, उसके बाद आता है बाकी दोनों कोर्स और फिर आता है सबग्रेड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सबग्रेड। तो सबग्रेड दोनों तरह का होता है, एक कॉम्पैक्टेड और एक नेचुरल। सबग्रेड मतलब है सॉइल, जिसको कभी नेचुरल सॉइल भी यूज़ किया जाता है उसको, या फिर उसको कॉम्पैक्ट भी किया जा सकता है। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट्स इन रिजिड पेमेंट इज, तो ये एक्सपेंशन जॉइंट्स दिया जाता है रिजिड पेमेंट में, क्योंकि रिजिड पेमेंट कॉन्क्रीट का बनाया हुआ होता है तो ये एक्सपैंड करता है, सीजन्स की वाइज चेंज हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? मैक्सिमम थिकनेस हम दे सकते हैं 2.5 सेंटीमीटर या फिर 25 मिलीमीटर। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 के और बढ़ते हैं। द थिकनेस ऑफ बिटुमिनस कार्पेट वेरीज फ्रॉम, तो देखिए दोस्तों बिटुमिनस कार्पेट जो रहता है उसका थिकनेस कितना रहेगा? उसका थिकनेस रहेगा 20 to 25 mm। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 के और बढ़ते हैं। द ड्रेन विच इज प्रोवाइडेड पैरेलल टू रोडवे टू इंटरसेप्ट एंड डाइवर्ट द वाटर फ्रॉम हिल स्लोप्स इज, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? स्लोपिंग ड्रेन, कैच वाटर ड्रेन, साइड ड्रेन या फिर क्रॉस ड्रेन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैच वाटर ड्रेन। कैच वाटर ड्रेन्स जो भी रहता है ये रोडवे के पैरेलल में दिया जाता है ताकि जो जो पानी जो ऊपर से आएगा वो ठीक तरह से डाइवर्ट हो सके। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के और। रैपिड क्यूरिंग कटबैक बिटुमिन इज प्रोड्यूस्ड बाय ब्लेंडिंग बिटुमिन विथ, देखिए दोस्तों कटबैक बिटुमिन क्या होता है? कटबैक बिटुमिन होता है कि बिटुमिन में कुछ केमिकल्स यूज़ किया जाता है, उसमें केमिकल्स मिलाया जाता है ताकि उसको ज़्यादा वोलाटाइल बना सके। तो ये कटबैक बिटुमिन बहुत सारे तरह का होता है, रैपिड क्यूरिंग, मीडियम क्यूरिंग या फिर स्लो क्यूरिंग। तो रैपिड क्यूरिंग कटबैक कैसे बनाया जाता है तो ये आपको याद रखना है, क्या हो जाएगा? केरोसिन, बेंजीन, डीजल या फिर पेट्रोल। देखिए दोस्तों रैपिड क्यूरिंग कटबैक जो होता है वो पेट्रोल या फिर पेट्रोल जो डेरिवेटिव्स होता है वैसे कोई चीज़ को बिटुमिन में ऐड किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेट्रोल। क्वेश्चन नंबर 22 के और बढ़ते हैं। इक्विवेलेंट फैक्टर ऑफ पैसेंजर कार यूनिट PCU फॉर ए पैसेंजर कार एज पर IRC। देखिए दोस्तों ये सारे जो यूनिट्स होता है पैसेंजर कार यूनिट, ये डिफरेंट व्हीकल्स के लिए डिफरेंट हो जाता है तो ये आपको याद रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? एक कार के लिए PCU क्या होता है? PCU होता है 1 PCU। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 के और बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू IRC ग्रेड कॉम्पेंसेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर ग्रेडियंट फ्लटर देन, देखिए दोस्तों ग्रेड कॉम्पेंसेशन क्या होता है? ग्रेड कॉम्पेंसेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है 30+R/R, और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है 75/R। लेकिन इसका मिनिमम वैल्यू मतलब कितना ग्रेड कॉम्पेंसेशन, अगर ग्रेडियंट फ्लैटर इससे ज़्यादा हो जाएगा तो हम ग्रेड कॉम्पेंसेशन नहीं यूज़ कर सकते। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 3%, 4%, 5% या फिर 6%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4%। क्वेश्चन नंबर 24 के और बढ़ते हैं। विड्थ ऑफ कैरेजवे फॉर सिंगल लेन रोड एज पर IRC, देखिए दोस्तों एक सिंगल लेन रोड रहेगा तो इसका विड्थ कितना रहेगा, कितना लेना है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 3.53 या फिर 3.75। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी 3.75 मीटर, और मल्टी लेन पेवमेंट्स रहेगा तो ईच पेवमेंट को आपको 3.5 मीटर पकड़ना है। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। एज पर IRC द एवरेज लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन ऑन इंपॉर्टेंट रोड्स कैरिंग फर्स्ट ट्रैफिक इज, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 10 लक्स, 15 लक्स, 20 लक्स या फिर 30 लक्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 30 लक्स।